एक और सवाल पप्पू यादव जी मेरा ये है आपसे कि क्या आपको लगता है कि पूनिया सीट पर आपके साथ धोखा हो गया, कांग्रेस आपको यहां से उम्मीदवार बनाती लेकिन आरजेडी के दखल से आपको ये सीट नहीं मिल पाई और आपको मतलब इंडिपेंडेंट उतरना पड़ा इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार? लंबा गठबंधन कांग्रेस के साथ रहा, सोनिया जी ने इस परिवार को बहुत बचाया। अब लालू जी के साथ जो सोनिया जी का एक मधुर संबंध रहा है, एक अपनापन रहा है, मुझको लगता है कि मैं उसका हिस्सा भी हो सकता हूं। अब लालू यादव चाहिए या पप्पू यादव चाहिए, ये भी एक बात कह रही थी, बतासा जाए जाए मंदिर नहीं जानी चाहिए, मतलब 24 की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। 24 में कौन आएगा, एक आपने बयान देखा होगा, उसी परिवार का एक बयान आया है कि दोनों विचारधारा एक ही है देश को मजबूत करने वाला। आप कल बयान देखे कि आपने कहा कि इसको मत दो लेकिन एनडीए को दे दो, मतलब मुझको लगता है कि 10 साल में साथ रहा और आपके साथ हम मर्जर कर जाते तो हम दुनिया के सबसे बड़े महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस हो जाते, नहीं मर्जर किए तो जो मन में आया हम कह दिए कि ये बीजेपी से तो इससे मिले, तो एक एक अपरिपक्व बात। देखिए ना समझ में या जो गंभीर ना हो, पेशेंस ना हो, वहां तरस किया जा सकता है, वहां गुस्सा नहीं किया जा सकता जी। और जनता को जवाब देना है, जनता अपना जवाब देगी, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जो विश्वास सीमांचल की जनता ने और आज बिहार के कांग्रेस वर्कर हो या कोई पार्टी वर्कर, ठीक है, सभी तो पप्पू यादव जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पूर्णिया में आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? एक तरफ संतोष कुशवाहा जो कि दो बार के सांसद हैं उनके लिए अमित शाह प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी रोड शो कर चुके हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव खुद लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो कितने मार्जिन से जीत की उम्मीद कर रहे हैं और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं पूर्णिया में आप? देखिए मैं अपने मियां मिठू तो बनूंगा नहीं, मैं कोई ज्योतिषाचार हूं नहीं। कोई भी पूजा जब करता है दूध या पीता या कुछ भी चढ़ाता है सर, तो वो भगवान की बात को जान नहीं सकता, जनता भगवान होती है। और मैं तो सिर्फ एक बेटे की तरह सेवा ही कर सकता हूँ, कर्म ही कर सकता हूँ, और मैं दिल में स्थान प्राप्त किया है हर घर के, हर जातियों के बीच, हर माँ और बेटी बहनों के बीच और युवाओं के बीच एक बड़ा दिल लोगों ने मेरे लिए बनाया। और जो मेरे मैं एक बात कहता हूँ, जहां से सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। एक उम्मीद जो सबकी खत्म होती है वो है पप्पू यादव, तो मैं तो एक विश्वास पैदा किया हूँ और देश भर का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं 140 करोड़ लोग चाहते हैं पूर्णिया, सबकी निगाह है पूर्णिया है, हॉट सीट है। मैं दिल से कहता हूँ आपको कि मैं नंबर वन पूर्णिया को देखना चाहता हूँ, सीमांचल को देखना चाहता हूँ, और मेरा परफेक्ट है इस इलाके की गरीबी खत्म हो। लेकिन जिस तरीके से पप्पू, हम कोई अभिमन्यु महाभारत के तो है नहीं, और महाभारत की पटकथा आप लिखते चले जा रहे हैं, आप गाली गलौज करते चले जा रहे हैं, मैं अर्जुन ही हो सकता हूँ। और मेरा लक्ष्य जो है वो कंप्लीट सेवा का है। आप सियासत करिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, मुझे क्या आपत्ति है, मुझे सेवक ना नहीं दीजिए, मैं एक सेवक हूँ और लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है तो ये मेरे लिए काफी है। जब आशीर्वाद मिल चुका है अर्जुन के तरह कृष्ण का, तो फिर जीत मेरे हाथ में, और क्या है जीत, तो समझिए कि जहाँ कृष्ण हो वहाँ जीत के बारे में कुछ सोचने की संभावना ही नहीं है। कृष्ण को मेरे साथ है और मैं इतना ठीक है। पप्पू यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए, आपने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।